अंकेश। क्या हाल भाई? बस बस भाई बढ़िया, तू बता कैसा है? मजा में। अरे बता भाई। ओन पैसे में क्या चल रहा है? कुछ न्यू अपडेट आएगी नहीं आई भाई? अरे रिंकू यार, ओन पैसे की अपडेट, किस टाइप की अपडेट जानना पसंद कर रहा है तू? बता। अपना तो ये की थी विड्रॉल ट्रैफिक। विड्रॉल ट्रैफिक के बारे में? हाँ अच्छा यार रिंकू, ऐसी कोई खास बड़ी अपडेट तो है नहीं भाई विड्रॉल और ट्रैफिक के बारे में। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी कोई डेट, फाइनल डेट भी है कि भाई, क्योंकि भाई इस तारीख को मिल जाएगा आपको ट्रैफिक विड्रॉल जो भी है। कैसी फाइनल डेट? अरे जैसे टाइम बढ़ाते जा, टाइम एक्सटेंड करते करते जा रहे हैं ना, हाँ एक फाइनल डेट भी तो होगी भाई, इस महीने की फलानी तारीख को आपको दे दिया जाएगा। हाँ इस महीने की इस तारीख को आपको ये मिल जाएगा है। अरे हाँ, जब इनके पास सब कुछ रेडी है तो करते क्यों नहीं है? यार रिंकू देख, अभी कोई भी फाइनल डेट नहीं है इस कंपनी में, ठीक है? सब कुछ टेंटेटिव है यहाँ पे, ठीक है? हालांकि अच्छा, चीजें प्रॉपर तरीके से चल रही है, ठीक है? समझ पा रहा है? चीजें हाँ प्रॉपर तरीके से चल रही है, सारे काम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई भी कहीं भी नहीं भगा है, सब कुछ कंपनी के अंदर है, ठीक है? मिस्टर ऐश उफारे भी टाइम टू टाइम आते रहते हैं, पर एक फाइनल डेट नहीं है, ठीक है? हम वही तो करते क्यों नहीं है तुम तो? अरे रिंकू कुछ ना कुछ होगा यार, कुछ ना कुछ कंपनी की प्लानिंग होगी। देख अभी कंपनी क्या प्लानिंग कर रही है, मैं तेरे को बताता हूँ। देख, एक तो इन्होंने डेटा कंजप्शन है ना, जी जैसे अपन इंडियंस है, अपन यदि अपने पास यदि कोई सी भी सिम में अपने को 2-2.5 GB डेटा मिलता है, मानता है नहीं जी मानता? जी एक दिन में 2-2.5-3 GB डेटा मिलता है अपने को, तो इससे क्या होता है, अपन ओ कनेक्ट के वेबिनार को यूज में नहीं ले पाते, लेते भी है तो वो डेटा अपना खत्म हो जाता है, ठीक है? तो हाँ कंपनी क्या प्लानिंग कर रही है, कंपनी प्लानिंग क्या कर चुकी है ये प्लानिंग, ये अपना जो डेटा का जो कंजप्शन है उसको कहीं जी ना कहीं कंपनी रिड्यूस कर रही है, उसको कम कर रही है डेटा कंजप्शन को। जब कोई अच्छा बंदा वेबिनार क्रिएट करता है, वेबिनार के साथ जुड़ता है, अटेंडीज बनता है या स्पीकर बनता है, जो भी बनता है XYZ, तो उसका जो डेटा कंजप्शन है उसको कंपनी 25%, 25% उसको कम कर दिया है, ठीक है? अच्छा एक तो कंपनी ने ये वाला काम कर दिया है, और कंपनी ने बोला है कि चीजें जो हैं, जो चीजें फिलहाल जो चल रही हैं, वो चीजें बड़ी जल्दी बदलने वाली है, ठीक है? पर वही बात, कोई फाइनल डेट अभी तक नहीं है कि हाँ इस दिन से चीजें बदल जाएगी। और ठीक है। इसके अलावा रिंकू कंपनी क्या प्लानिंग कर रही है, देख सबसे ज्यादा फाउंडिंग मेंबर्स अपने इंडिया के हैं, मानता है नहीं मानता? हाँ, तो कंपनी क्या प्लानिंग कर रही है, कंपनी स्पेशली फॉर इंडियंस नेट बैंकिंग और UPI की जो फैसिलिटीज है, ठीक है? नेट बैंकिंग और UPI स्पेशली इंडिया में सबसे ज्यादा तेज गति से चलता है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई बंदा, तुझे देखा होगा, फोन पे, गूगल पे या नेट बैंकिंग को यूज में लेता है, ठीक है? तो जी स्पेशली इंडिया के लिए कंपनी प्लानिंग कर रही है कि लोगों के जो पेंडिंग विड्रोल्स हैं उसमें या पैकेज को सब्सक्राइब करने में, दोनों में नेट बैंकिंग और UPI आने वाले दिनों में शायद देखने को मिल सकती है। ठीक क्लियर? है। एक कंपनी की ये वाली प्लानिंग चल रही है, और रिंकू एक कंपनी प्लानिंग कर रही है, जैसे अपन 1.4 मिलियन फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ठीक है? जी अपन 14 लाख फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उसमें से 40 फाउंडिंग मेंबर्स ऐसे हैं मेरे भाई जिनका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो चुका है, ठीक अच्छा है? वो अपना जो OES है, जो अपना इकोसिस्टम है, वो ओपन नहीं कर पा रहे हैं। तो 40 हैं, टोटल 40 ही हैं, 14 लाख में से टोटल 40 ही बंदे ऐसे हैं, मैं तेरे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? उनमें से कंपनी क्या कर रही है, उनमें से 36 बंदों का अकाउंट है कंपनी वापस से एक्टिवेट कर रही है, और अच्छा जो चार अरे बंदे हैं वो जी अपना रिफंड वापस ले चुके हैं, ठीक है? तो उन बंदों से अच्छा, तो कोई मतलब ही नहीं है, जो रिफंड ही वापस ले चुके। अरे वो तो सदस्य ही खत्म होगी इसकी हाँ तो। बिल्कुल बिल्कुल, टोटल 36 बंदे ऐसे हैं जिनको कंपनी वापस से उनके अकाउंट को एक्टिवेट कर रही है। सिंपली जैसे ही वो अपना ओमेल एड्रेस डाल के पासवर्ड डालेंगे तो उनका अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और सिंपली उनको अपने पासवर्ड चेंज करने, जैसे ही वो अपने पासवर्ड रीसेट करेंगे तो उनका अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ओके इसके अलावा इनको विड्रोल की बात करते हैं, तो विड्रोल में जहां तक मैं सोचता हूँ कंपनी का अभी जो मेन इश्यू आ रहा है वो आ रहा है मर्चेंट को लेकर, क्योंकि जी जितना भी जो पैसा है वो उस थर्ड मर्चेंट के पास अभी तक फंसा हुआ है। ये बातें होंगी कम से कम 6 महीने पुरानी, ठीक है? हाँ 6 महीने से इस बात का डिस्प्यूट चल रहा है कंपनी के साथ, लीगल एक्शन लिया जा रहा है कंपनी में, और कंपनी कहीं ना कहीं उस पैसे को वापस पाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। जब तक ये पैसा मर्चेंट से कंपनी के पास वापस नहीं आएगा तब तक विड्रॉल मिल पाना मुश्किल है मेरे भाई, ठीक है? अच्छा टोटल अमाउंट, उसमें से कुछ अमाउंट यदि आ भी गया होगा, ठीक है, तो बड़ी बात नहीं कर रहा मैं, यदि कुछ टोटल अमाउंट जब तक उस मर्चेंट से उन पैसे के पास रिसीव नहीं हो जाता तब तक
विड्रॉल मिल पाना मुश्किल है, ठीक है। वो ओके विड्रॉल के लिए उन पैसिव 100% रेडी है कि जो लोगों के पेंडिंग विड्रॉल्स है वो लोगों को डिलीवर करेगी ही करेगी। ऑन पैसिव ने क्लियर बोला है कि हमारे जो भी नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो तभी आएंगे जब हम लोगों को पेंडिंग विड्रॉल्स दे देंगे, ठीक ठीक है है। और इसके अलावा इनको यदि मैं ट्रैफिक की बात करता हूँ तो भाई आज की डेट में प्रेजेंट में ऑन पैसिव में चाहे कोई इंडियन लीडर हो, चाहे कोई ग्लोबल लीडर हो, चाहे सीईओ, कोई भी ऑटोमेटिक ट्रैफिक को लेकर बातें करना पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है। जिस बात से कंपनी की नींव रखी गई थी उस बात के बारे में कोई भी बातें करना पसंद नहीं कर रहा है, ये सच्चाई है, ठीक है। हाँ ये मिलेगा कब, ये टाइम आने पर मिलेगा कि कब टाइम आएगा, कब उस दिन के दर्शन होंगे जिस दिन ऑटोमेटिक ट्रैफिक मिलेगा। अभी इसके बारे में कंपनी में कोई भी किसी प्रकार की कोई भी बातें नहीं चल रही है, क्लियर। ठीक ओ वेरीफाई के बारे में बताता हूँ। ओ वेरीफाई 3 तरीके से होने वाला है, 3 प्रोसेस होंगे ओ वेरीफाई में। तेरा डॉक्यूमेंट जो है, गवर्नमेंट आईडी जो प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग होगा, एक तेरी फोटो के अकॉर्डिंग होगा, एक फेस वेरिफिकेशन, तेरे फेस को वेरीफाइड किया जाएगा, वो सेम टाइम पे होता है वो, ठीक है। उसमें अच्छा तेरे को आई ब्लिंक करनी पड़ती है, स्माइल देना पड़ता है, जो भी है वो फेस डिटेक्शन होता है कि यू आर ए रियल फाउंडिंग मेंबर्स, आप कोई रियल फाउंडिंग मेंबर्स, आप कोई रोबोट नहीं है, आप कोई स्कैमर्स नहीं है, ठीक है। इस तरीके जी से तेरे को वेरीफाई के जरिए कंपनी वेरीफाई करेगी। ओके okay. इसके अलावा कंपनी ने एक बात और बोली है, जो सितंबर मंथ से जो अपना पैकेज जो चला रहा है, ठीक है, जिसको 7 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, वो एक ट्रायल वर्जन था, समझ पा रहे हैं। अच्छा कंपनी टेस्टिंग करना चाहती थी कि फाउंडिंग मेंबर्स किस तरीके से, कैसे क्या लोगों तक ये पहुंच पाता है पैकेज। अब जो कॉमर्शियल वर्जन अपना आ चुका है तुझे पता ही है, अब जो पैकेज आएंगे ना रिंकू, ये बहुत ही स्मूथ पैकेजेस इसके आने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है मंथली, क्वार्टरली, एनुअली किस तरीके से इसके पैकेजेस आने वाले हैं, उस पर डिस्काउंट ऑफर भी आने वाला है। मतलब अब कंपनी जो भी पैकेज वो लेके आने वाली है वो कनेक्ट के वो प्रॉपर तरीके से लेके आने वाली है। और तू डेट की बात कर रहा था ना कि फाइनल डेट क्यों नहीं आती है इस कंपनी में रिंकू, हर बार हाँ यही बोला जाता है। अभी जो वेबिनार हुआ था गो अफ्रीका वेबिनार, उसमें भी एक बात को बोला गया है कि हम उस डेट के काफी नजदीक है, ठीक है। हर बार ये बात बोली जाती है कि हम उस डेट के काफी नजदीक है। अब लेट्स सी, देखते हैं कि वो डेट कितनी नजदीक आती है और कब आती है, ठीक है ठीक ब्रदर। है और ओके इसके भाई अलावा जो कंपनी की जो विड्रॉल देने का जो प्रोसेस रहेगा मेरे भाई, वो अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग तरीके से रहेगा, समझ पा रहा है। जैसे इंडिया के लिए कंपनी की अलग प्लानिंग होगी, या हो सकता है दुबई के लिए कंपनी की अलग प्लानिंग हो, अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज के लिए उनकी अलग प्लानिंग हो, तो हर कंट्रीज के लिए कंपनी की अलग अलग प्लानिंग रहेगी और उसी के अकॉर्डिंग कंपनी कहीं कहीं ट्रैफिक विड्रॉल देने वाली है। ये भाई एक जो सब सब ज्यादा फाउंडर्स भी अपने इंडियंस हैं तो हाँ, सबसे ज्यादा फाउंडिंग फिर हाँ तो इंडियंस फिर भी है इंडिया में ये एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करते हैं? यार रिंकू। देख एडवर्टीजमेंट वाला जो प्रोसेस है ना मेरे भाई, एक बार वो कनेक्ट को तू आ जाने दे, ठीक है, वो कनेक्ट को अच्छे से आ जाने दे। और स्पेशली इंडिया क्या है, यदि ऑनलाइन भी यदि एडवर्टीजमेंट करना स्टार्ट कर दे वो कनेक्ट का, अभी वो कनेक्ट का ऐड हो रहा है रिंकू, ऐसी बात नहीं है, पर वो कनेक्ट का ऐड कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनके प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, जो इनके यूट्यूब चैनल्स हैं, ऑन पैसिव के यूट्यूब चैनल्स हैं, इनका ओ मीडिया है, इनका फेसबुक पेज है, इनका इंस्टा पेज है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे अभी ऑन पैसिव अपना प्रचार कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये बाकी दुबई की बात करता है तो दुबई में हर जगह एडवर्टीजमेंट है ऑन पैसिव का, बट स्पेशली इंडिया की बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा फाउंडिंग मेंबर्स है, बट अभी इंडिया में एडवर्टीजमेंट का इनका अभी ऐसा कोई प्लान बनता नजर नहीं आ रहा है कि कंपनी किस तरीके से एडवर्टीजमेंट करने वाली है, ठीक है। डिजिटल ठीक है तरीके से करने वाली है, फिजिकल तरीके से करने वाली है, होर्डिंग्स लगाने वाली है, या सोशल मीडिया के जरिए करने वाली है, किस तरीके से ऑन पैसिव प्लानिंग करने वाला है इसके बारे में अभी कोई भी प्लान नहीं है ब्रदर। ठीक है यार मिस्टर एशोफा ने एक बात बोली है रिंकू गो अफ्रीकन वेबिनार में, उससे पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि ऑन पैसिव को कोई नहीं रोक सकता, कोई इंसान, कोई मानव ऑन पैसिव को नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यार उन्होंने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ गॉड, सिर्फ और सिर्फ भगवान, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला ऑन पैसिव को रोक सकता है, इसके अलावा किसकी बस की बात नहीं है जो ऑन पैसिव को रोक सके। तो यार यदि कोई अच्छा बंदा इतनी प्लानिंग से बोल रहा है, इतने आत्मविश्वास से बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ी बात लगती है यार रिंकू, नहीं लगता। हाँ कुछ ना कुछ तो है ही जो इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ, और लास्ट में एक बात और बोलूंगा रिंकू, ये गो अफ्रीकन वेबिनार की बात है कि उन्होंने बोला है कि यदि आप बने रहेंगे तो आपकी जो जीत है वो निश्चित है, ठीक है। यदि आप ऑन पैसिव को बीच में छोड़ के नहीं भगेंगे, यदि आप ऑन पैसिव के साथ बने रहेंगे, तो सफलता मिल पाना यहाँ पे 100% कंफर्म है मेरे भाई, ठीक है। तो ठीक है लेट्स सी, देखते हैं भाई, अभी कोई फाइनल डेट नहीं है, बट ऑन पैसिव के साथ बना रहे, जो भी अपडेट आती है वो मेरी कोशिश रहेगी तेरे तक डिलीवर करने की भाई, सभी फाउंडिंग मेंबर्स तक डिलीवर करने की, ठीक है ब्रदर। ठीक है भाई ओके भाई। ओके ब्रदर।